Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. आज की जो वीडियो है, पहली बात तो आप टाइटल देख के आपको लग रहा होगा कि वीडियो जो है हमारी क्लिकबेट तो नहीं है, तो आपको बताना चाहूँगा कि आज की जो वीडियो है हमारी कोई भी क्लिकबेट नहीं है और जेन्युइनली वी आर सेलिंग आवर कार. तो क्या कुछ रीज़न है हमारी जान को बेचने का, कैसे समझ नहीं आ रहा मेरे को, कैसे मतलब आपसे ये बोलूँ कि चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज वो वाइब नहीं आ रही अंदर से ना, दिल बड़ा मतलब ये मान लीजिए ब्रोकन टाइप फील हो रहा है. और मतलब सेल करते हैं स्टार्ट, और आपको आगे हम ये भी बताएंगे क्या वो रीज़न है कि हमें अपनी जान को सेल करना पड़ रहा है, क्या कुछ है वो आपको लास्ट तक पता चलेगा. तो और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, लास्ट तक आप देखोगे तो आपको ये भी आइडिया लगेगा गाड़ी में क्या क्या मॉड्स हुए हैं, उससे आपको एक क्लियर इमेज मिलेगी. और जिन भाइयों ने हमारी पुरानी स्टार्टिंग से लेकर जब हमारी जान आई थी बेस मॉडल स्विफ्ट एलेक्स ये नहीं देखी, तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाए क्या क्या मॉड्स इसमें हुए, क्या क्या मॉड्स इस गाड़ी को इंडिया की इकलौती गाड़ी बना देता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आउटर से बाहर से इसमें जो जो मॉड्स हो रखे हैं ना, वो अंदर से भी बहुत सारे हो रखे हैं. बाहर से इसका जो हमने लुक दिया था सिर्फ स्पोर्ट जैसा दिया था, मतलब स्पोर्टी, अंदर से जो इसका लुक है वो काइंड ऑफ लग्जरी है. बात करते हैं फ्रंट से क्या क्या इसमें मॉड्स. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बड़ा ना दिल पे ना बहुत ज़्यादा एक कह लो पत्थर रख के आज की वीडियो बिल्कुल बनाई जा रही है. तो फ्रंट में बात करना चाहेगी, ये जो मॉडल है 2020 जनवरी का मॉडल है अपना स्विफ्ट LXi बेस मॉडल. तो जो लोगों ने मेरी वीडियो देखी नहीं है स्टार्टिंग से, जो मेरे भाई बीच में हमसे जुड़े हैं, तो आपको बताना चाहूँगा सारे वीडियो के लिंक्स जो है स्टार्टिंग से लेके जब तक हमारी गाड़ी अभी है आज तक के लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चीज़ से, गाड़ी में जो फर्स्ट चीज़ हुई है येल्लो तो देख पा रहा होगा, उसके ऊपर भी आएगी आखिर क्या है क्या कुछ है. गाड़ी में टॉप मॉडल की हेडलाइट लगी है जो ZXi प्लस की आती है. ये जो बम्पर है ये आप देख पा रहे हो पूरा स्विफ्ट स्पोर्ट इंस्पायर्ड बम्पर है. जो ये इंपोर्टेड बम्पर जो आते हैं स्विफ्ट स्पोर्ट जो बाहर चलती है ऑस्ट्रेलिया में, वो वाले इंपोर्टेड ये पूरी किट्स है. नेक्स्ट इसकी बात करना चाहूँगा, गाड़ी में जो फॉग लैंप लगे हैं वो IPH के नहीं है, वो D2H प्रोजेक्टर वाले, तो उसका जो बल्ब आता है वो भी अलग आता है. और ये बहुत प्यारा है, इसका रिस्पॉन्स रहता है बहुत मतलब अमेजिंग रिस्पॉन्स रहता है सड़क पर. सड़क पर जब आप चलाते हो गाड़ी तो आप एकदम राजा जैसा फील करते हो जब इसका लाइट ऑन होती है. और ऊपर से जो स्विफ्ट की टॉप मॉडल की लाइट है इसे चिपसेट वाली लाइट होती है, इसमें कोई भी हमने LED वगैरह ये वाला कभी भी नहीं आती. ये मारुति की जो गाड़ी है जब से ये वाली लाइट आई है ना, और उसके बाद बलिनो हो गई, उसके बाद काफ़ी सारी सियाज हो गई, S-Cross हो गई, तो वो सारी चिपसेट वाली होती, बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स आता है. और ये जो कैल्विन यूज़ करते हैं 6000 कैल्विन रहता है जो प्योर वाइट रहता है, बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स रहता है. आई होप ऊपर से एरोप्लेन जा रहा होगा तो आवाज़ मेरी बिल्कुल क्लियर आ रही होगी. नेक्स्ट चीज़ की बात करना चाहूँगा, आप ये सोचोगे ये जो स्प्लिटर है इसी के साथ इंटैक्ट है. हाँ जी, ये जो स्प्लिटर है इसी के साथ इंटैक्ट आता है. और ये जो नंबर प्लेट है ये जेल वाली नंबर प्लेट है जो आपके भाई ने थोड़े से कस्टमाइज़ करके लगाई थी, हालांकि ये जो है ये थोड़ी सी इलीगल कंसीडर हो जाती है. नेक्स्ट चीज़ की बात करना चाहूँगा, ग्रिल वगैरह सब कुछ एज इट इज़ है. और फ्रंट में इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस स्विफ्ट स्पोर्ट है, बताया कि इंजन में भी क्या हुआ. नेक्स्ट चीज़ की बात करना चाहूँगा, बहुत लोग के मन में आ रहे हो क्या ये गाड़ी एक्सीडेंटल है, ये गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है. बहुत लोग के मन में आ रहा हो क्या इसका इंश्योरेंस कभी आपने क्लेम करा, इसका इंश्योरेंस चल रहा हो जब से गाड़ी आई, कभी क्लेम करने की नौबत नहीं आई. और नेक्स्ट चीज़ की बात करें, शीशे वगैरह जितने गाड़ी में चीज़ लगी है, शीशे हो गए कुछ भी हो गए, वो टिल नाउ 2020 से लेके अभी तक वो एकदम वही चल रहे हैं. साइड मिरर की बात करना चाहूँगा, तो ये जो मिरर है ये टॉप मॉडल का मिरर है. अगर आपको दिखाना चाहूँगा, ऑटो फोल्डिंग फीचर के साथ आता है, लॉक करेंगे फोल्ड हो जाएगा, अनलॉक करेंगे अनफोल्ड हो जाएगा. उससे पहले नेक्स्ट चीज़ की बात करना चाहूँगा, गाड़ी में जो अलॉय व्हील्स लगे हैं ये जो है अपने 16 इंचिस की है. और इसमें जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ब्रेक पैड भी यूज़ हम कर रहे हैं, जो EVC अल्टीमैक्स 2 आता है रेड स्टफ, वो हम यूज़ कर रहे हैं. और इस गाड़ी में जो होता है मतलब सर्विस हो गई कुछ भी हो गया, वो टाइम से बहुत पहले हम करा लेते हैं, क्योंकि गाड़ी में रीमैपिंग भी हो रखी है. ये टिल नाउ जो पावर जनरेट कर रही है समवेयर अराउंड 90-95 BHP प्रोड्यूस करती है जब इसमें 100 octane पेट्रोल जाता है. इसका जो कैलिब्रेशन हो रखा है अपना 93 से लेके 100 octane का कैलिब्रेशन हो रखा है, मतलब इसमें हम 93 octane भी डलवा सकते हैं. और इंडियन ऑयल पे आजकल 95 मिल रहा है, वो भी डलवा सकते हैं. जब इसमें 100 octane डलवाएगा तब ये गाड़ी फुल पावर प्रोड्यूस करती है. तो उसकी एग्जैक्ट टॉर्क जो इसमें नियर अबाउट प्रोड्यूस हो रहा है 133-140 नियर अबाउट प्रोड्यूस करती है ओनली इन 100 octane. नॉर्मल पेट्रोल डलवाते हैं, हाँ डेफिनेटली अगर आप स्टॉक स्विफ्ट चलाते हो और ये स्विफ्ट चलाओगे तो आपको काफ़ी हद तक फील होगा कि इसकी जो ब्रेकिंग है, इसका सब कुछ है, वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को मतलब पावर है, वो काफ़ी एकदम हैवी जैसा फील होगा. और नेक्स्ट इसकी बात करना चाहूँगा, गाड़ी आपको डाउन भी लग रही होगी तो बहुत लोग के मन में आ रहा होगा कि यार इसके सस्पेंशन बैठ चुके हैं. नहीं जी, इसके सस्पेंशन बैठे नहीं है. जो मेरे भाई रिसेंटली जुड़े उनको यही लग रहा होगा, बट जो पुराने मेरे भाई जुड़े उनको पता है कि गाड़ी में हमारे लोअरिंग स्प्रिंग्स लगे हैं जो कि कोबरा सस्पेंशन के.
और इसका जितने भी पार्ट्स है, जितने मॉड्स हुए, अगर जैसे एग्जॉस्ट हो गया, जो भी चीज हो गई, स्प्रिंग्स हो गए, गाड़ी का घर पे सारा सामान ओरिजिनल भी पड़ा हुआ है, जो स्टॉक स्प्रिंग आते हैं, एग्जॉस्ट पाइप होगी, क्योंकि हमारा एग्जॉस्ट का सेटअप जो है वो भी प्रॉपर नट बोल्ट सिस्टम है, उसकी भी आवाज आपको सुनाएगी आखिर कैसी आवाज आती है। इंजन बे की बात करें आखिर इसमें क्या क्या हो रखा है तो आप चेक करोगे पहले तो ये कुछ हमारा इंजन बे है, इसमें जो परफॉर्मेंस एयर फिल्टर कोनिकल वाला लगा हुआ है। नेक्स्ट चीज, इसमें परफॉर्मेंस हेडर भी लगे हुए हैं, इवन इसमें जो पाइप लगा हुआ है वो भी स्ट्रेट पाइप जो लगा है वो एक्स्ट्रा साइज का है, इसकी जो थिकनेस है नियर अबाउट अपनी 2 mm हमने रखी है। और नेक्स्ट चीज बताना चाहूँगा, इसमें जो ब्रेक फ्लूइड है या फिर ब्रेक ऑयल कह लो, वो भी ब्रेम्बो का चल रहा है जो कि .5.1 है, मतलब इसकी सब कुछ चीज़ ना हमने स्टेप बाय स्टेप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रखी है। बैटरी जो है इसकी रिसेंटली हमने रखी थी, रिसेंटली हमने अपग्रेड करी थी जो कि एमरॉन की है, वारंटी कार्ड मेरे पास स्टिल पड़ा हुआ है गाड़ी में, ये आप देख पा रहे हो। इंजन बे थोड़ा सा ऐसा है, सेंट्रल लॉकिंग वगैरह जो है RD कंपनी की है, बाकी सारी वायरिंग जो है वो हमारी HID नीचे की है, और हेडलाइट की आप देख पा रहे हो बिल्कुल मतलब क्लीन है जैसा आपकी गाड़ी में आपने देखा होगा। सोच रहे हो राहुल क्यों बता रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये जो हमारी जान है ना ये उस भाई के पास जाए, क्योंकि स्विफ्ट आपको पता है कि क्या आती है, आपने देखी भी होगी, आपने सड़क पर भी देखी होगी, आपने हर जगह देखी होगी, बट ये जो स्विफ्ट है ना ये जो सड़क पे चलती है वो वाली स्विफ्ट नहीं है, ये काफ़ी अलग है। जब आप इसको लेके निकलते हो ना तो आप सड़क पे अलग ही एक चलते हुए दिखते हो कि आपकी जो गाड़ी है वो बाकी स्विफ्ट से या फिर बाकी जो भी गाड़ी सड़क पे चल रही है उससे ये अलग है, और एक आई कैची सा लुक हमको मिलता है, ये कह सकते हो आई कैची सा लुक जस्ट बिकॉज क्योंकि येलो कलर है, येलो कलर काइंड ऑफ स्पोर्ट्स कार का भी रहता है, तो एक तरह से ये भी एक आई कैची लुक रहता है। नेक्स्ट चीज़, इसमें जो मॉड्स रखे नॉर्मल स्विफ्ट से ज़्यादा मॉड्स रखे, तो जो स्विफ्ट वाले जितने मेरे भाई है वो जब भी देखते हैं उनको लगता है कि गाड़ी बहुत अच्छी बना रखी है। नेक्स्ट चीज़ की बात करना चाहूँगा, ये इसका जो रीमैप है स्टेज 2 कस्टम रीमैप है, कस्टम में एग्रेसिव वाला रीमैप हमने ऑप्ट किया था और वुल्फ परफॉर्मेंस ने किया था ये जो रीमैप। नेक्स्ट चीज़ की बात करना चाहूँगा, ये गाड़ी आपको बताना चाहूँगा फुल बॉडी रैप है, और इसके अंदर जो है वो वाइट कलर की हमारी स्विफ्ट थी, रूफ़ को जो हमने ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन देने की कोशिश करी थी, ऊपर हमने ग्लॉस ब्लैक फिनिश रखी है, ये जो है 5D कार्बन फाइबर है, ये जो अपने मिरर है ये हाइड्रो डिपिंग है, वाटर ट्रांसपेरेंट ट्रीटमेंट जो होता है वो हमने यहाँ पे शीशे पे कराया, प्लास्टिक पैनल जो हो गए इधर वाले, इधर वाला जो है ये तो पिलर है अपना, इसमें हमने 5D कार्बन फाइबर रैप लगाया, ये जो है ये हमारा डिप है, बाकी आप देख पा रहे हो गाड़ी में साइड स्कर्टिंग भी लगी है जो इस बॉडी किट का ही पार्ट है। अलॉय व्हील्स आपने देख ली, इसके जो नट है ये वी प्रो वाले नट है, ये भी इम्पोर्टेड नट ही है, तो आप देख पा रहे हो कि इसको बेसिकली रेनबो हम स्टाइल बोलते हैं, ये जो नट है एक बार थोड़ा सा नीचे आके आप भी दिखाओगे तो आपको पता चलेगा। अलॉय व्हील्स जो अपने प्लैटिक है तो आप ये कुछ हाइपर ब्लैक फिनिश इसको कहते हैं, ये जो डिजाइन है। नेक्स्ट चीज की तरफ आ जाओ, तो शीशे वगैरह आप देख पा रहे हो कि ये सारे मॉडिफाइड अरीनास चेक हो गए, गाड़ी में चेक के स्पीकर चल रहे, उसकी तरफ भी हम लोग आएंगे। मॉडिफाइड अरीना ने हमें काफी कुछ भेजा था, गाड़ी में ब्रेम्बो का जब EBC से पहले ब्रेम्बो चल रहा था, साइलेंसर हाउस हमारा एग्जॉस्ट का काम होता है, ब्रेम्बो के पहले ब्रेक पैड चल रहे थे और ब्रेक फ्लूइड हमारा ब्रेम्बो का .5.1 चल रहा है जो रेसिंग स्पेसिफिक आता है। ये जो स्पॉइलर है ये मॉन्स्टर स्पॉइलर है अपना जो स्विफ्ट के लिए आता है, ये लुक को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया था, एक बार आप थोड़ा इधर से आके देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो आ जाओ आप लोग, ये अपना जो कार्बन फाइबर में बात कर रहा था ये भी डिप है अपना, पीछे की जो टेल लैंप है इसमें जो पहले चल रही थी वो सी क्लास स्टाइल आप बोल सकते हो, जो मर्सिडीज़ की आती है वो चल रही है, अब ए क्लास स्टाइल आप बोल सकते हो या फिर सोनार स्टाइल बोल सकते हो, वो अपनी गाड़ी में चल रहा है। रिसेंटली अपग्रेड करा था ये हमने टेल लैम्प, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो भी आई बटन पे आ रही होगी। भाई कैसे बताऊँ, बताते हुए भी ना मेरे को बड़ा दुख सा हो रहा है कि राहुल क्या हो कर रहा है तू आज यार, समझ नहीं आ रहा, बट लास्ट में बात करेंगे, अब मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। ये जो स्टाइल है ये बहुत प्यारी लाइट लगती है, ये स्विफ्ट में बड़े रेयरली आप देख पा रहे होंगे, ये इजीली मिलती नहीं है, बड़े रेयरली मिलती है, हमको ये लाइट जो है मॉडिफाइड अरीना ने भेजी थी, और ये लाइट का स्टाइल, ये जो लाइट है स्पेसिफिकली मेड इन ताइवान वाली होती है, बाकी सारी जो अपनी होती है वीलैंड की इन सब की, ये सारी मेड इन चाइना होती है, तो इसकी जो क्वालिटी है मेड इन ताइवान हो या मेड इन चाइना डजंट मैटर, बट ताइवान वाली आप कह लो 18-21 का फर्क रहता है, मतलब 18 अपनी चाइना की रहती है और 21 अपनी ताइवान की रहती, थोड़ी क्वालिटी अच्छी रहती है। नेक्स्ट चीज़ की तरफ आओगे तो आप गाड़ी में देखोगे सुजुकी का ये जो एस का लोगो है ये भी हमने ब्लैक करा रखा है। अब आप बोलोगे कि गाड़ी में जो पीछे जो टिप है इनमें से कौन सी चलती है या फिर दोनों चलती है, क्या कुछ है एग्जॉस्ट जो है हमारा, क्या वो वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट है, तो आपको बताना चाहूँगा वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट कुछ नहीं हमने लगाया, ये जो प्योर एग्जॉस्ट आता है बेसिक सेटअप है, आपको आवाज़ भी हम सुनाएंगे अभी थोड़ी देर में, और ये जो है यही टिप चालू है, इधर वाली जो टिप है ये हमने डमी टिप लगा रखी है, और ये जो लाइट है ये भी प्रॉपर ढंग से चलती है, इसमें स्पोर्ट लिखा हुआ आता है, इसके अंदर जो सेंसर्स है वो प्रॉपर ढंग से काम करते। नेक्स्ट चीज़ की बात करना चाहूँगा, ये अपना एंटीना और ये पूरा पीछे का लुक, ये कुछ है गाड़ी अपनी, इधर से भी आप देखो एक बार तो आपको आईडी लगेगा, इधर आ जाओ तो आपको ये पूरा दिखेगा कैसी गाड़ी लग रही है, तो आप इधर की तरफ आके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि गाड़ी में
ये दो उंगली की जगह सिर्फ। और ये जो अपना टायर साइज चल रहा है, रिसेंटली मैंने अपग्रेड कराया था गाड़ी, उसके बाद नियर अबाउट अपनी जो चली है अपनी 20,000 प्लस चल चुकी है गाड़ी अपनी, मतलब एग्जैक्टली 22,000 to 23,000। और ये को आमा के जो हमने टायर चेंज कराए थे नियर अबाउट अपने 15,000 के करीब, मतलब 15,000 के अराउंड कराए थे किलोमीटर, तब जाके हमने योकोहामा के डलाए थे। ये जो योकोहामा का अर्थ वन सीरीज़ वाला टायर है 205/50/8/16, टिल नाउ इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। और ये स्पेसिंग आप देख पा रहे हो, इससे आपको आइडिया लग पा रहा है गाड़ी हमारी लोअर्ड है, ओबरा के लोअरिंग स्प्रिंग चल रहे जो मैं आपको आगे ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं, बाहर से आपने देख लिया सब कुछ, आपने देख लिया ये कुछ हमारी जान है, अब चलते हैं अंदर की तरफ। आखिर आपको बताते हैं कि अंदर क्या क्या गाड़ी में मॉड्स रखे जो उसको गाड़ी को इकलौता बनाते हैं। तो आप लोग इधर से और मैं उधर से आता हूँ तो आपको आइडिया लगे। अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, तो आपको पहली बात तो बताना चाहूँगा गाड़ी में जो हमने मॉड्स करा रखे हैं अंदर की तरफ, वो मॉड्स बेसिकली क्या है कि हमारा जो इंटीरियर है उसे कहीं ना कहीं लग्जरी इंटीरियर बनाया जाए एज कम्पेयर टू स्विफ्ट जो मार्केट में आती है। तो आप देखोगे तो इसका ये वाला जो फिनिश है ये वाइट कार्बन फाइबर है, ये है लेदर सॉफ्टफील कोटिंग पेंट होता है। अगर हम ये वाला हिस्सा छुएंगे तो ब्लैक आता है, वो थोड़ा सा रफ लगता है, बट ये वाला जब हम छूते हैं तो स्लाइटली स्मूथर देन दिस। तो ये कुछ लेदर सॉफ्टफील कोटिंग पेंट इसको कहा जाता है। और यहाँ की तरफ आप देखोगे तो इधर भी हमारे डोर पैनल की तरफ भी हमने वाइट कार्बन फाइबर कराया। मीटर जो है ये मीटर भी चेंज है, स्विफ्ट बेस मॉडल में नॉर्मली मीटर आता है, ये स्विफ्ट 2020 वाला मीटर है। जहाँ पे एसी कंट्रोल्स रहते हैं हमारे, ये वाइट कार्बन फाइबर है इवन यहाँ पे भी। और जहाँ वाइट दिख पा रहा होगा आपको, वाइट हमारा लेदर सॉफ्टफील कोटिंग पेंट है। गियर नॉब जो है वो हालांकि कोई इतना मेजर नहीं है, वो बेसिकली जो था गियर नॉब हमारा वो मैट फिनिश में आता था, तो जो बलिनो में आता था ना साइड में क्रोम और नीचे लेटर थोड़े से अच्छे से दिखे, तो वो हमने गियर नॉब अपग्रेड कराया था। आर्म रेस्ट इसमें नहीं आता था, मतलब ये जो पर पर्सन के लिए, मतलब अगर को ड्राइवर बैठेगा उसके लिए स्पेसिफिक आर्म रेस्ट है और जो ड्राइवर बैठेगा उसके लिए आर्म रेस्ट है। इसमें अच्छा खासा वजन भी रख दोगे तब भी इंटैक्ट है। और ये जितनी भी चीज़ गाड़ी में लगी है 1 साल प्लस हो चुका है, वो प्रॉपर ढंग से वर्किंग है। इवन ये जो गत्ते लगे हैं डोर पैनल कह लो आप लोग, अपग्रेडेड वाले अपने डोर पैनल जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा। नेक्स्ट चीज़ की बात करना चाहूँगा, अपने स्टेयरिंग पे जितने कंट्रोल आपको दिख रहे हैं प्रॉपर ढंग से वर्किंग है। स्टीरियो जो हमने लगाया हुआ है पाइनल का 5290 लगाया हुआ है। गाड़ी में जो स्पीकर चल रहे हैं चेक के चल रहे हैं, फ्रंट में कंपोनेंट, पीछे हमारे कंपोनेंट जो लियो सीरीज वाले हैं फ्रंट और रियर में। और सीट की बात करते हैं, मेन मुद्दे की बात, जो सीट में जलवे हैं, ये जो सीट है सीट कवर ये जो है ये बहुत आप कह सकते हो लेदर जो आता है उससे जस्ट एक नीचे वाली क्वालिटी है। लेदर क्यों नहीं हमने यूज़ करा आपको वो भी बताए थे, हम लोग किसी भी जानवर को हार्म करना नहीं चाहते थे और हम रिकमेंड भी नहीं करते, तो हमने इसलिए न्यू मटेरियल होता है। और ये जो था अपना लेदर से जस्ट एक नीचे वाली क्वालिटी है। साइड में आप देख पा रहे हो कि पाइपिंग हमने दी है, सब जगह पाइपिंग का टच है। और इवन आपको बताना भी चाहूँगा ये जो सेंटर में हमने दिया परफोरेशन दिया, साइड में हमने प्लेन रखा है। इस सीट के अंदर मसाजर है, स्विफ्ट बेस मॉडल में आपको पता है हेडरेस्ट नहीं आता, इसमें इनबिल्ट हेडरेस्ट भी हमने लगाया हुआ है। और नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स भी है। ये जो हमारी सीट है ऑटोमेटिक एडजस्टेबल है, एक बार आप आपको आगे पीछे करके दिखाएंगे, आगे पीछे करते हो आप देख भी पा रहे होंगे ये जो सीट है प्रॉपर ढंग से वर्किंग है, एकदम आगे प्रॉपर ढंग से काम कर रही है, आगे भी जा रही है पीछे भी जा रही है, इवन बहुत स्मूथली काम कर रही है। ये जो हमारी रूफ है ये भी हमने कराई है, ये जो रूफ है सेंटर में परफोरेशन हमने डाला और सेम जो ब्लैक पाइपिंग का कॉम्बिनेशन चल रहा है वही हमने प्रॉपर ढंग से पूरे उस पर रखा है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। अब बात करते हैं, ये तो आपने फ्रंट सीट्स देख लिया, पीछे की सीट्स में भी जलवे, पीछे की सीट जो हमारी 180 डिग्री रिक्लाइन हो जाती है, तो वो हम आपको करके दिखाते हैं आखिर, वो भी हम आपको पीछे की तरफ जाके करके दिखाते हैं। आ जाओ आप लोग पीछे, तो आप देख पा रहे हो कि ये हमारा आर्म रेस्ट है, इसमें दो कप होल्डर आते हैं। अब ये जो स्विच आता है ये आखिर स्विच है क्या, तो इससे हमारी सीट एडजस्ट होती है जो आप देखोगे अभी। पीछे की सीट में भी हमने प्रॉपर ढंग से दो हेडरेस्ट लगाए, एक बार आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आपको दिखेगा कि कैसे वर्किंग होता है। देखो पीछे आखिर डिग्गी में हमारा सामान रखा हो तो हम ज़्यादा पीछे नहीं करेंगे, बट आपको आइडिया लग पा रहा होगा ये प्रॉपर ढंग से। जैसा कि आपने देखा कि प्रॉपर ढंग से आगे पीछे जा रहा है, ये प्रॉपर एकदम स्मूथली जाता है। और नेक्स्ट ये बताना चाहूँगा इसको 20 साल भर प्लस हो चुका है, ये पीछे से पूरा हमने इंटैक्ट करा हुआ है। इवन जो क्लिप्स वगैरह आती है उसको हमने वाइट कार्बन फाइबर रखा है, इसमें भी आप देखोगे तो हमने ब्लैक पाइपिंग की स्टिचिंग डाली है। पीछे के दरवाजों की बात करना चाहूँगा तो पीछे जो हमारा दरवाजा है वो बेसिकली बेस मॉडल का हमने रखा है LXi। हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, फ्रंट में अगर हम टॉप मॉडल के गत्ते लगा रहे हैं और पीछे अगर हम एक स्टॉक एकदम छोड़ रहे हैं तो उसमें हम क्या कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो हमने कहता है यहाँ पे आप देख पा रहे हो ट्विटर है, यहाँ पे आप ग्लास
होल्डर के लिए यहाँ पे हमने रखा है जगह, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आप प्रॉपर ढंग से ग्लास वगैरह रख सकते हो। नेक्स्ट ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो हमारी पावर विंडो है वो हमारी आरडी की लगी हुई है, बट हमने इसके बॉक्स को कस्टमाइज करा था जो कि वाइट कार्बन फाइबर फिनिश में करा था, जैसा कि आपको दिख भी पा रहा होगा। अंदर की तो हमने बात कर ली, अब आपको बाहर जो हम कह रहे थे कि एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं, आखिर एग्जॉस्ट कैसा है। इसका जो एग्जॉस्ट है ये पूरा बेसी सेटअप है, तो पीछे की तरफ आपको आई होप आपको क्लियर आवाज़ हम सुनाने की कोशिश करेंगे कि आवाज़ आखिर कैसी आती है। तो ये लगा ली हमने चाबी, ये तो आपने देख लिया सब कुछ, अंदर से भी हमने बात कर ली। नेक्स्ट इस गाड़ी में हमारी डैम्पिंग भी हो रखी है, आपको आइडिया लग पा रहा होगा सुनना। तो ये दरवाजा जो है ना, अगर मैं एक बार बंद करता हूँ तो उससे आपको आइडिया लग पा रहा होगा, अगर मैं यही चीज यहाँ की तरफ दबाता हूँ, इवन गाड़ी के क्वार्टर पैनल में भी डैम्पिंग हो रखी है, ये आपको आइडिया लग पा रहा होगा। और अगर हम कोई स्टॉक जैसे डिग्गी में डैम्पिंग नहीं हो रही तो आपको आवाज से पता लग पा रहा हूँ, ऐसी आवाज आती है। तो ये कुछ डैम्पिंग का फायदा, गाड़ी में पूरी नीचे डैम्पिंग हो रखी है। इवन जिन भाइयों ने हमारी वीडियो में देखी डैम्पिंग वाली, वो अगर देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा गाड़ी में कहाँ कहाँ डैम्पिंग हुई है। पूरी नीचे हमारी फ्लोर डैम्प हुआ है, हमारी डिक्की डैम्प हुई है, हमारे चारों दरवाजे डैम्प हुए, सब कुछ प्रॉपर ढंग से डैम्प हुआ है। गाड़ी में जो वायरिंग है वो एम्पलीफायर को ड्राइवर सीट के नीचे। बारी आती है कि वीडियो तो हमने बना दी, क्या क्या गाड़ी में मॉड्स था वो भी हमने बता दिया आपको सब कुछ, प्राइसिंग वगैरह जो भी है सबकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना उससे, उस वीडियो में सब कुछ आपको बता रखा है क्या क्या गाड़ी में कॉस्ट लगी है। नेक्स्ट इसकी बारी आती है, अब बहुत लोग के मन में आ रहा होगा, जो मेरे भाई अभी तक देख रहे हैं उनके मन में आ रहा होगा आखिर क्या वो रीज़न है कि राहुल भाई जो है अपनी गाड़ी बेचने पे आ गए। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, इस गाड़ी को ना हमने बहुत दिल से बनाया और बहुत प्यार से बनाया, मतलब इससे ना पूरा दिल हमारा जो था कनेक्टेड था, तब जाके ये गाड़ी जो है निखर के आई है और तब जाके इस गाड़ी को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अब बारी ये आती है भाई, हम लोग कोई एकदम बहुत बड़ी फैमिली से नहीं है यार, हम लोग ना बड़ी सिंपल फैमिली से है, तो यार अगर एक गाड़ी जाएगी नहीं तो दूसरी गाड़ी कैसे आएगी, क्योंकि यही गाड़ी हमारी वो थी कि मतलब बनाना तो उसको ऐसा था, स्टार्टिंग में मोटिव यही था कि थोड़ा सा ये उसको बनाना ऐसे है, उसको रखना है, लास्ट मोमेंट ऐसा आ जाता है ना कि यार इसमें रहता है कि अब गाड़ी भी दूसरी लेनी है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में गाड़ी आ रही है तो वो भी लेनी है, तो फिर पैसे भी देखने पड़ जाते हैं इन दिन आपकी जेब में कितने पड़े हैं ना। ऐसा तो नहीं यार पेड़ वेड़ लगा है जिसमें पैसों की बारिश हो रही है, ऐसा हो रहा होता तो फिर गाड़ी बेचने की नौबत ही नहीं पड़ती। तो फिर वही रीज़न है कि हमें गाड़ी थोड़ी सी सेल आउट करनी पड़ रही है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे किसी वेल नोन वाले भाई के पास जाए जो एकदम सेम एज इट इज़ जैसा हमने जान की केयर करते रहे वैसा उस जान की केयर करे यार, बिल्कुल एकदम दिल से लगा के रखे। जो जो मॉड्स है वो आपने सब कुछ देख लिए, गाड़ी के काफ़ी सारे वीडियोस भी, जैसे आपको आइडिया के गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है, सीट्स कैसी है वो भी आपने देख ली, सब कुछ इस वीडियो में आपने एक से लेकर जेड तक आपने देख लिया गाड़ी में क्या क्या मॉड्स लगे। अब मैं चाहता हूँ, अब आप लोग बोलोगे कि राहुल भाई फिर आपकी आस्किंग कितनी है, मैं चाहता हूँ आप लोग इस शिफ्ट को मैं कह सकता हूँ कि यार मतलब हर बंदा नहीं सोचे, क्योंकि हर बंदा यार क्योंकि इसमें काम इतना सारा रखा है, एक नॉर्मल अगर हम एवरेज बंदे की प्रस्पेक्टिव सोचे तो वो चाहेगा कि मैं गाड़ी अगर लूँ तो यहाँ से अप डाउन कर पाऊँ इजीली, है ना। बट ये जो गाड़ी है शौक के उससे बनाई गई है, तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी मेरा भाई ले वो शौकिया हो तो ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि ये गाड़ी वही बंदा मेंटेन कर सकता है जो एकदम शौक एकदम प्यार हो कि भाई मेरे को एक गाड़ी ऐसी रखनी है जो एकदम मॉडिफाइड हो, चले तो एकदम सड़क पर एक टोरा बना के चले, तो ये वो गाड़ी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्राइस कमेंट सेक्शन में बताएं कि राहुल भाई मेरी ये आस्किंग है जैसा कुछ रहेगा, बिल्कुल इसमें जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है वही हमें करें। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ईमेल एड्रेस भी देखने को मिल जाए, contact@rahulsinghofficial.com, उसमें हम डायरेक्टली हमको मेल कर सकते हो राहुल भाई हमारी आस्किंग ये, पर आप हमें कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में क्या क्या आपकी आस्किंग रहेगी, सबका रिप्लाई हम देने की कोशिश करेंगे। और ये कुछ था गाड़ी में मॉड्स वगैरह सब कुछ आपके सामने थे, तो यही वीडियो सिंपल सोबर रखते हैं, ज़्यादा कुछ क्या बोलूँ मैं। प्लान हो रहा है दूसरी गाड़ी का, जस्ट बिकॉज यही रीज़न है कि गाड़ी को हमें सेल करना पड़ रहा है, और दूसरी गाड़ी क्या कुछ रहेगी, काफ़ी अपकमिंग गाड़ियाँ भी आ रही है उसमें आई गेस हम लोग जाए तो आपको वो भी आगे पता चलता रहेगा। बट मेनली हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमारी जान किसी ऐसे बंदे के पास जाए जो उसको अपनी जान मतलब दिल की तरह उसको प्यार करे। अब बहुत लोग मुझसे कहेंगे कि राहुल भाई स्विफ्ट का जो प्राइस है 2 साल के अराउंड डेप्रिशिएट हो गया है, वी ऑलरेडी नो दैट कि हाँ डेप्रिशिएट होता है, बट ये जो गाड़ी है ना यार ये जब दिल से बनाई जाती है ना और शौक से बनाई जाती है तो शौक की कोई लिमिट नहीं होती और शौक की कोई कीमत नहीं होती, तो उससे बनाई गई थी।
गाड़ी का जो एक ओवरऑल एस्टीमेट है गाड़ी में, आपको आइडिया भी लग पा रहा हो कितने लाखों का काम हो रखा है। ये नहीं कि 1-2 लाख का काम है, जो मेरे भाई पर्सनली जानते हो जानते हैं गाड़ी में कितने लाखों का काम हो। कमेंट में आप अपने प्राइजेस जरूर लिखना, हम सबका रिप्लाई करेंगे। सो गाइस यही सिंपल से ऊपर वीडियो रखते हैं, बहुत ज्यादा बुरा सा भी लग रहा है बट वही है ना यार, कहते हैं ना चलती का नाम गाड़ी, ये जाएगी नहीं तो दूसरी आएगी कैसे। काफी सारी चीज भी देखने पड़ते हैं, काफी सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं घर पे, वो भी आपने टेक केयर करने होते हैं ना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ जैसे जैसे आप काम कराते रहते हो, जैसे जैसे आप कुछ कराते रहते हो, काफ़ी सारी चीज़ पर्सपेक्टिव आता है, काफ़ी कुछ देखना पड़ जाता है। तो ये कुछ था स्विफ्ट के ऊपर, मॉडिफिकेशन क्या क्या हो रखी है हमने आपको बताई सब कुछ, फ्रंट से लेके एंड तक क्या क्या हो रखा है। मैं ये चाहता हूँ ये जो गाड़ी है, ये मेरे जितने भी प्रिय मित्र देख रहे हैं या फिर उनके प्रिय मित्र या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं, वहाँ तक रीच पहुँचाया जाए कि जिनको एक शौकिया गाड़ी घर पर रखनी है, जो चाहते हैं कि एक गाड़ी रखी जाए, तो वहाँ तक ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, अपने प्रिय मित्रों तक ज़रूर बताएं कि भाई ये गाड़ी सेल के लिए आ चुकी है, जो एकदम पूरी मॉडिफाइड है सब जगह से, और ये नॉर्मल स्विफ्ट के मुकाबले इसमें पावर्स भी ज़्यादा है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्स में जाना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, अब आपसे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।